का मछली मिला है दोस्तों यहाँ में, पूरा बम्बू से ट्रेडिशनल स्टाइल से दे दिया, अभी पका रहा है यहाँ में बम्बू से, तो हम लोगों ने खरीदा है दोस्तों। मछली भी हो गया लास्ट के लिए, तो यहाँ में जो है, तो यहाँ में जो है गाइस लौकी, तो मछली दे दिया है ऐसे चलाना है, देख सकते हो, तो ऐसा करना है, ऐसे करके चलाना पड़ता है आधार के साथ दोस्तों। तो इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, पूरा वहाँ में है ना दोस्तों, कल भी मैंने आप लोग को दिखाया, देखो गाइस तरबूज का कितना बड़ा है, देखिए। तो हम लोग भी चूज करेंगे अभी यहाँ से, तो है देखिए जवान लड़की को, देखिए किसको चाहिए जरूर बताना। तो अभी ढूंढते हैं गाइस कौन सा वाला लेंगे हम लोग भी, में तो देखिए इसको चूज कर लिया भैया ने, तो ये कितना का होगा, अबे भी तो देखिए कितना बार है दोस्तों, ये 250 का ही है, देखिए ये भी तोड़ लिया, तो ये सभी ने टेस्टिंग कर रहे हैं, तो गाइस हम भी टेस्टिंग करते हैं। तो ये रहा, हो गया, तो हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत स्वागत है गाइस फिर से एक और मेरा नया वीडियो के साथ। तो दोस्तों कल जो है हम लोग सुगरासोरा में आके, तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग दीदी की कार पे रुका है दोस्तों आज, तो ये देखिए सुगरासोरा का गांव कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा गाइस, तो नीचे में भी है, तो देखिए लगातार घर ही घर है ना दोस्तों, तो ऊपर में इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा और जाके ये एन हो जाते हैं, तो इतना लंबा भी नहीं, तो पूरा तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो यहाँ से ही दिखा रहा हूँ। तो ये रहा गाइस सुगरासोरा का गांव, तो इस तरफ जो है दोस्तों मंदिर, तो पूरा ऊंचाई है, एक जो पहाड़ है इसमें वो चढ़ना पड़ता है मंदिर पे जाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ में जो है भैया दे दिया है पूरा चकमा ट्रेडिशनल से, जो सुबह में हम लोग दो किलो का मछली मिला है दोस्तों यहाँ में, पूरा बम्बू से ट्रेडिशनल स्टाइल से दे दिया, अभी पका रहा है यहाँ में बम्बू से भैया, तो इसी स्टाइल से बहुत ही स्वादिष्ट होता है गाइस, तो देख सकते हो पूरा आग से सेक रहा है, तो आग में दे दिया पूरा दिल के गाइस, बहुत ही स्वादिष्ट होता है अगर बम्बू से पकाएंगे तो। ये जो है दोस्तों एक्चुअली हम लोगों ने वो कल लेके जाने के लिए, कमला नगर लेके जाने के लिए लिया था, 2 किलो का मिला, और मिलेगा तो ले लेंगे दोस्तों, और 2-3 किलो ले लेंगे मछली, क्योंकि लोकल मछली नहीं मिलता वहाँ में, तो इसीलिए हम लोगों ने ले लिया दोस्तों। तो अभी हम लोग ये पका रहे हैं, तो आज नहीं पकाएंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए पका के रखना पड़ेगा, फिर कल लेके जाएंगे। तो बम्बू से पकाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, तो ट्रेडिशनल वाला होता है ये चकमा ट्रेडिशनल, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बम्बू से पका के खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो गाइस अभी देखते हैं, तो लंच के लिए दीदी क्या बना रही है, क्या तैयारी कर रहा है, तो अभी घर के ऊपर जाके देखते हैं तो क्या क्या बनाया है। तो यहाँ में देखिए सभी लोग हैं, ये दीदी और ये जीजू और यहाँ में भैया और ये भी दीदी है, ये बड़ा वाला दीदी। तो यहाँ में देखिए गाइस, तो देखिए गाइस मछली है, सुबह में मिला है मछली, देखिए सुबह में मिला है, तो हम लोगों ने खरीदा है दोस्तों, देखिए मछली भी हो गया लास्ट के लिए। तो यहाँ में जो है, तो यहाँ में जो है गाइस लौकी, तो लौकी बना रही है, तो देखिए पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल से पका रहे गाइस। जो यहाँ में जो है खाना रेडी हो गया चावल को, तो यहाँ में देखते हैं गाइस, वाह छाना सना बनिया यहाँ में देखिए। अभी जो है लंच का तैयारी कर दिया है दीदी ने, पूरा रेडी हो चुका है लंच, तो अभी यहाँ में देखिए पूरा रेडी है दोस्तों, तो अभी सभी ने बैठ गए हैं देखिए, तो अभी करते हैं लंच गाइस। तो सब्जियाँ क्या क्या है, और सिनेल भी है आज का लंच में, और यहाँ में क्या है रसिल्लो, और यहाँ में मछली देखिए गाइस, मछली लोकल मछली गाइस, लोकल मछली देखिए, तो ये अभी साथ रहे हैं मुझसे पहले चाट रहे हैं, और वहाँ में जो है जीजू अभी तरबूज काट रहे हैं, वो जो खाना खाने के बाद खाने के लिए, तो देखिए अभी करते हैं लंच पहले, हम बहुत कुछ नियत मछली दे दिया है, तो यहाँ में चना,
तो चना भी ले लेता हूँ। तो देखिए गाइस सभी ने बैठ गए देखो, तो देखिए भैया भी बैठ गए खाना खाने से। देखिए गाइस ये मेरा थाला सभी ने बैठ चुका है गाइस। तो गाइस अभी जो है बिल्कुल दोपहर हो चुका है, तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं तरबूज का खेत में। तो कोई लोग यहाँ पे आए हैं तरबूज लेने के लिए, तो इसीलिए दोस्तों जीजू और दीदी जा रहे हैं वहाँ में तरबूज देने के लिए उन लोगों को। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं भैया और मैं, देखिए पीछे में भैया भी आ रहे हैं और यहाँ में आगे आगे जा रहे हैं दीदी लोग। देखिए जरा हाय बोल देना, इस तरफ देखना जरा तो गाइस यहाँ से बोट नहीं तो एक नौका पकड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी से तो ऐसे पैदल पैदल नहीं जा सकते, एक बोट लेके जाना पड़ेगा गाइस यहाँ से। तो देखिए इतना सारा बोट हम लोग जाएंगे यहाँ से, नौका से जाएंगे गाइस। तो देखिए वाह, तो अभी जीजू चलाएगा देखिए। तो अगर आप लोग ऐसा नौका चलाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा से ज्यादा ये जरूरत पड़ेगा, इसको इंग्लिश से बोलता है रडार गाइस, जो चकमा लैंग्वेज हम लोग बोलता है फांगे, तो ऐसे ही चलाना पड़ता है। तो फिलहाल देखिए ऐसे रडार से चला के जाना पड़ता है गाइस, देखिए ऐसे ऐसे। तो कैसे चलाना है देख सकते हो, तो ऐसा करना है, ऐसे करके चलाना पड़ता है रडार के साथ दोस्तों। तो इस तरफ जा रहे हैं हम लोग पूरा वहाँ में है ना दोस्तों, कल भी मैंने आप लोग को दिखाया, तो आज भी दिखाएंगे और एक बार, क्योंकि इससे और ज़्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए हम लोग का बड़ा नदी गाइस, देखिए यहाँ में जिसको हम लोग चकमा ले, इसको हम लोग चकमा लैंग्वेज से बोरगांग बोलते हैं गाइस। तो यहाँ में बहुत आना जाना करते हैं, आज जो है बाजार दिन का है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज बहुत से आना जाना कर रहे हैं। देखिए तो वहाँ में देखिए हम लोग को गाँव का लोग जा रहे हैं गाइस, वाह हमें इन लोग जो है दोस्तों तरबूज लेने आ रहे हैं, वहाँ में दीदी भी बैठ चुका है, दीदी भी आ रहे हैं। तो देखिए वो जो है इसी तरह चलाना है, वाह काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये रहा गाइस पूरा यहाँ से ही कहती ही कहती देखने को मिलेगा आप लोग को। तो जीजू का खेत जो है वहाँ में दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो उन लोग तो पहुँच गया है, बहुत से गया है ना। तो देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा का लोग जूम जूम और खेती वगैरह करके ज़िंदगी बिता लेते हैं, क्योंकि खर्चा वगैरह नहीं होता है ना दोस्तों। अभी जो है दोस्तों हम लोग खेत में पहुंच गए हैं, तो यहाँ में जिस तरफ देखोगे उस तरफ ही आप लोगों को बस खेती ही खेती देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे भी तरबूज है, देखिए इतना सारा तरबूज आया है, तो लेकिन ये वाला अभी तक नहीं पका है, तो इस तरफ वाला अभी देखते हैं। इस तरफ जो है जीजू लोगों का खेत, तो वहाँ में देखे जीजू लोगों का तरबूज का खेत फिर से और एक बार, आज जो फाइनल डे है। तो गाइस अभी जो है हम लोग भी शूज करेंगे, क्योंकि आज फाइनल डे है, कल सुबह ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि कल जल्दी जाना पड़ेगा। ये बालू इतना गर्मी है यार, इतना गर्मी सहन नहीं हो रहा है। तो ये देखिए देखो गाइस तरबूज का खेत कितना बड़ा है, देखिए। तो हम लोग भी शूज करेंगे अभी यहाँ से, कौन सा वाला लेंगे हम लोग, तो कितना रुपया वाला लेंगे, तो अभी देखते हैं गाइस, ढूंढ के लाएंगे अभी। तो देखिए तो है कि देखिए जवान लड़की को देखिए किसको चाहिए जरूर बताना। तो अभी ढूंढते हैं गाइस कौन सा वाला लेंगे हम लोग भी, कम से कम 5-4 लेंगे हम लोग, कल ही जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग।
देखिए कितना बड़ा बड़ा है ये वाला, देखिए वाह। तो वहाँ में भी एक है, तो अभी इस तरफ ढूंढ के, इस तरफ ढूंढ के लेके आएंगे दोस्तों, इस तरफ से हम लोग। तो देखिए गाइस यहाँ पे कस्टमर लोग भी आए हैं। वो बीवी सना पकने नवा गए बीवी योगी सना का ये गन मुंह से तो मुंह। तो अभी देख रहे हैं दीदी ने अभी तक पका है कि नहीं, तो पक गया है दोस्तों, इसको हम लोग तोड़ के लेके जाएंगे। तो तोड़ो तोड़ो, पक गया तो तोड़ो तोड़ो, अभी तोड़ो तोड़ो इसको। ओ कर में तो देखिए इसको सूज कर लिया भैया ने, तो ये लेके जाएंगे कल हम लोग। तो और भी दिन थे गाइस, ये पक गया क्या, पक के दे आने। भैया को देखिए इना कपड़े क्या आया, अभी कपड़ा भी लेके नहीं आया। तो ये हमें भी है दोस्तों, ये अब तक नहीं पका। तो ये वाला भी, ये पक गया वो वाला, बहुत बड़ा है वो वाला भी। तो ये भी थोड़ रहा है हमारे लिए दोस्तों, तो ये भी हम लोग लेके जाएंगे। कितना भारी है, अगले देखो कितना किलो का ये वाला, ले दो गाइस देखिए कितना भरा है। तो ये भी लेके जाएंगे हम लोग, बहुत भारे है यार, एक जगह पे रखता हूँ ये वाला, अभी यहाँ पे रखता हूँ यार। देखिए ये 400 रुपया वाला है और 500 500 वाला भी है दोस्तों, इतना इतना बड़ा। और जो है गीता लोगों के लिए, तो गीता के लिए दो चाहिए, 300 रुपया वाला। ये कितना का होगा, अबे बीवी अच्छा। तो देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, ये 250 का ही है। देखिए ये भी तोड़ लिया है, तो ये भी हम हमारे लिए होगा। तो और एक लेके आ रहा है, देखिए पूरा नीचे से लेके आया भैया ने, तो ये भी बहुत बड़ा है। हाउ तो देखिए गाइस पूरा यहाँ पे एन हुए है, तो वहाँ से ही देखिए गाइस एक जो घर दिख रहा है वहाँ से पूरा यहाँ तक एन हुए हैं तरबूज का खेत, कितना बड़ा है ना दोस्तों। तो देखिए गाइस यहाँ पे कस्टमर लोगों ने भी देख रहा है, और देखिए गाइस कस्टमर लोग भी देख रहा है क्योंकि तरबूज का इतने आया है, इन लोग दूर से बहुत दूर से आए हैं। तो चाहे तो ये वाला भी ले सकते गाइस, ये 300 वाला और 200 वाला, 250 वाला भी है, तो इतना इतना बड़ा वाला मिलेगा आप लोगों को। तो आप सभी ने देख रहा है तो फाइनली गाइस हम लोग चूज कर लिया है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा वाला चूज कर लिया, ये जो है जो लिया है हम लोग 400 रुपया वाला लिया है दोस्तों, तो कल लेके जाने के लिए। तो ये हमें एक है, तो ये वाला भी वहाँ में रखना पड़ेगा। तो पहले इसको रख के आते हैं दोस्तों, और ढूंढना पड़ेगा, बहुत बड़े हैं यार। वाटरमेलन गाइस, वाटरमेलन किस किस को खाना है जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ी देर में हम लोग और खाएंगे गाइस, वीडियो बने रहना, वीडियो पे जरूर बने रहेगा दोस्तों। थोड़ी देर में हम खाएंगे फिर से, और पूरा एक खाऊंगा आज, कंप्लीट कर दूंगा आज, फिनिश कर देंगे। यहाँ में रखता हूँ, यहाँ में रख देता हूँ ये वाला। गाइस तो रख दिया, तो यहाँ पे रखते हैं अभी। तो इसको देखिए कैसे लेके आ रहा है, देखिए हाथ से नहीं हो रहा है क्या, पूरा सिर सिर के ऊपर ताके लेके आ रहा है देखिए। तो ये वाला मैंने चूज कर लिया दोस्तों,
अभी इसको खा कूद करके खाएंगे हम लोग। तो देखिए गाइस, इसको पहले खाता हूँ फिर। तो गाइस फाइनली खाद दिया है, देखिए ये टेस्टिंग कर रहा है। तो भैया ने भी टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सभी ने टेस्टिंग कर रहे हैं। तो गाइस हम भी टेस्टिंग करते हैं। बहुत मीठी है यार, इतना मीठी गाइस कह नहीं सकता। बितुल भाई स्टाइल से आज पूरा फिनिश कर देंगे गाइस, एक भी नहीं बासी का। खाओ खाओ, पूरा पेट भर के खाना, शर्माना शर्माना मत। ठीक है, खुशबू अच्छा नहीं है ये वाला। फिनिश कर दिया गाइस, देखिए पूरा फिनिश हो गया। तो यहाँ भी और भी थोड़ा बाकी है, ये भी फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ में अभी भी भैया लोग कर रहे हैं, देखिए तो गाइस अभी जो है हम लोग तरबूज तरबूज वगैरह खा के तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ, वो सब्जियाँ ढूंढने के लिए जा रहे हैं कुछ। तो ये देखिए भैया आर में, ये देखो डाव हाथ में डाल डाव लेके जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्जियाँ देखेंगे गाइस अभी। तो वहाँ में ढूंढेंगे, वहाँ में देख रहा है शायद, वहाँ में होगा। तो अभी जाते हैं वहाँ में ढूंढ के लेके आएंगे गाइस। तो ये जो नदी है दोस्तों अभी पूरा सोता हो गया, तो पहले तो बहुत बड़ा है ये वाला द्वीप। अभी इस तरफ जाके देखते हैं गाइस है या फिर नहीं। दूसरा आदमी ने ढूंढ के लेके आया। तो ये रहा ऐसा वाला सब्जी गाइस, हमें एक है गाइस। तो ये वाला पूरा ऑर्गेनिक सब्जी, मुझे पता नहीं दोस्तों, इसको हम लोग चकमा लेंगे से थारा बोलते हैं। तो यही कटने आया है हम लोग। ये फारी बोला जो तो एक मिल गया गाइस। देखिए तो देखिए गाइस यहाँ में भी एक है, तो पूरा ऑर्गेनिक वाला है। तो ये रहा हो गया, और यहाँ में भी है गाइस, यहाँ में एक है, बहुत छोटा है ये वाला। बहुत सारा है दोस्तों यहाँ में। रख देता हूँ इस तरफ ढूंढते हैं। तो यहाँ में एक है देखिए, तो फाइनली गाइस हम लोगों ने और थारा
कलेक्टिंग किया है, बहुत सारे मिला है दोस्तों। तो यहाँ में देखिए अभी भैया ने बन रहा है, तो ये रहा इतना सारा मिला है दोस्तों, यहाँ में भी है, यहाँ में भी है। और केले का फ्लावर सिर्फ यही मिला है देखिए। तो अभी हम लोग जाएंगे, तो इतना तो मिल गया, और नहीं चाहिए हो जाएगा इतने में हो जाएगा दोस्तों। तो चलो अभी, तो गाइस देखिए अभी ले लिया है दिन भी, तो अभी चलते हैं। पूरा जंगल से आया है दोस्तों, जंगल में आया है दोस्तों आज हम लोग ये ढूंढने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां गाइस, ऑर्गेनिक सब्जियां। तो अभी जाते हैं घर गाइस, इतना तो हो जाएगा, कल ये हम लोग लेके जाएंगे, कल सुबह जल्दी निकलने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जल्दी जाना पड़ेगा। और दिमागिरी बाजार में भी सामान वगैरह खरीदना है दोस्तों वहाँ से, तो भैया और मैं जाएंगे दिमागिरी बाजार जल्दी, फिर वहाँ से कुछ सामान ले लेंगे, वहाँ से कुछ सामान लेने के बाद ही वहाँ से कमला नगर की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने वाटरमेलन भी लेके आया है, जो जितना भी चाहिए उतना ही लेके आया दोस्तों। तो और हम लोगों ने ऑर्गेनिक सब्जियां भी लेके आया दोस्तों, आप लोगों को तो दिखाया मैंने वीडियो में। तो जंगल पे जाके हम लोग तोड़ के लेके आया है दोस्तों। तो यहाँ में देखिए तरबूज वगैरह, तो यहाँ में जितना भी तरबूज है सब कलेक्ट कर दिया है दोस्तों। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब मिलके 9 है दोस्तों। तो यहाँ में जो है थारा, तो मुझे तो पता नहीं दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलता है हिंदी में, तो इसलिए यहाँ में केले का फ्लावर सिर्फ एक ही मिला है दोस्तों, नहीं है सब काट ले सब धुन लिया, केले का फ्लावर नहीं है अभी जंगल में। तो देखिए दोस्तों, तो इतना ही मिला है हम लोग का सब्जी, तो वहाँ में भी है, सुबह में तो दिखा दिया है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो अब आप लोगों को तो पूरा का पूरा जो तरबूज का खेत भी एक्सप्लोरिंग करके दिखाया, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से दिखाया मैंने, और गांव जो है थोड़ा थोड़ा दिखाया। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, एंड कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा वीडियो को। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय सभी को गाइस।